आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा ने इन दिनों सोशल मीडिया पर बवाल मचाकर रख दिया है। लाल सिंह चड्ढा से लोग काफी नाखुश हैं और इस फिल्म का लगातार सोशल मीडिया पर बहिष्कार किया जा रहा है। इस फिल्म का इंग्लिश क्रिकेटर मोंटी पनेसर ने सोशल मीडिया पर जमकर विरोध किया था, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है। इस बात के लिए आकाश चोपड़ा को सोशल मीडिया पर अब जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। कमेंटेटर आकाश चोपड़ा को लाल सिंह चड्ढा फिल्म की तारीफ करना भारी पड़ गया। दरअसल पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने लाल सिंह चड्ढा को लेकर ट्वीट किया, पिछली रात लाल सिंह चड्ढा देखी, आमिर खान ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है, उनकी शानदार फिल्मों में से एक, फिल्म आपके साथ आगे बढ़ती है और आप लाल सिंह चड्ढा से प्यार कर बैठते हैं। आकाश चोपड़ा का जैसे ही ये ट्वीट वायरल हुआ लोग भड़क गए। कुछ लोगों ने आकाश चोपड़ा के YouTube चैनल को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। आकाश चोपड़ा के इस पोस्ट के बाद लोग जमकर उनको ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने उनका चैनल अनसब्सक्राइब कर ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस ट्वीट का जवाब देते हुए आकाश ने कहा, अलविदा, मैं अपने हर एक सब्सक्राइबर की कद्र करता हूँ, उन्हें बहुत सारा प्यार करता हूँ, लेकिन अगर आपकी राय मेरी राय से मेल नहीं खाती तो मैं आपको खुद से बाहर कर दूंगा। आमिर खान ने कुछ साल पहले बयान दिया था कि वो इंडिया में सेफ फील नहीं करते। उस वक्त उनकी पत्नी किरण राव ने आमिर खान को सुझाव दिया था कि उन्हें इंडिया छोड़ देना चाहिए। जब आमिर खान की इस बात की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट की मांग हो रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा खूब ट्रेंड कर रहा है। खैर, ये फिल्म कल थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। आमिर खान के अलावा फिल्म में करीना कपूर खान और मोना सिंह भी लीड रोल में है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।